गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो घर पर नहीं होने वाला है क्योंकि हम सभी तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं शिव जी के एक मंदिर देखने। तो हमारे घर के ही ना थोड़ी सी दूर पर एक शिव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम कभी गए नहीं है। तो आज हम सब ने ना प्लान किया है कि आज हम वहीं जाएंगे दर्शनों के लिए, और साथ में ना मेरी ननद जो है राजलक्ष्मी वो भी जा रही है। तो निकलते हैं, चलिए चलो। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर के बाहर। अभी तक मंदिर का गेट खुला नहीं है क्योंकि 5 बजे ये खुलता है। आम के ढेर सारे पेड़ हैं जिनके ऊपर कवरिंग कर दी है ताकि कोई आम तोड़ ना पाए। आम के पैक को दिलो देख। और ये रहा मेन मंदिर जो अभी काफी दूर है। चल चल, इतना गर्म है ना, नीचे का फर्श के पैर पूरे जल रहे हैं। और ये रहा मुख्य मंदिर। जाओ घंटा बजा। उठिल तो बच्चे ने और यहाँ सीढ़ियों में बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। काफी बड़ा मंदिर है। ये मंदिर के बाहर का एरिया है। शिवाय 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 शिव
हमने मंदिर दर्शन कर लिए हैं, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और शाम के बाद लाइटिंग जलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका व्यू। हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये मंदिर के बाहर एक सरोवर है, उसका व्यू है। शाम के वक्त जब लाइट्स चेंज होती है ना तो बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ से मंदिर का व्यू तो अपूर्व है एकदम। तो थोड़ी थोड़ी देर में ना लाइट्स चेंज होती रहती है। तो अब हम घर आ गए हैं और चेंज कर लिया है, काफी ज्यादा टायर्ड हो गए हैं हम भी और बच्चे भी। अंतरा तो पढ़ने बैठ गई है, और ध्रुव तो इतना थक गया था ना कि रास्ते में आते आते ही वो सो गया। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी डिनर की तैयारी करनी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे कुछ नया लेकर के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।